झारखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी में बदलाव होने जा रहा है। हेमंत सोरेन आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन से शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है। आज सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, बाद में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। इससे पहले सुबह हेमंत सोरेन गठबंधन में शामिल कांग्रेस नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल सीपी राधा कृष्ण ने मुलाकात की थी। राज्यपाल सीपी राधा कृष्ण ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। सोरेन हाल ही में भूमि घोटाले के एक मामले में करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। इससे पहले सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई को होने की संभावना जताई जा रही थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बुधवार को चंपाई ने सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद झामुनो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हेमंत को सर्वसम्मति के विधायक दल का नेता चुना। बाद में हेमंत ने बुधवार को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। झारखंड की सरकार में 12 मंत्री हो सकते हैं, जबकि राज्य मंत्रिमंडल में वर्तमान में 10 मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के ताकत घटकर 45 विधायकों तक रह गई है। जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17 और आरजेडी का 1 विधायक है। जेएमएम के 2 विधायक नलिन सोरेन और जोबा मांझी लोकसभा के लिए चुने गए हैं, जबकि जामा सीट से विधायक सीता सोरेन ने बीजेपी के टिकट पर आम चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। सोरेन की पार्टी ने 2 और विधायकों बिशुनपुर से एमएलए चमरा लिंडा और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम को निष्कासित कर दिया था। इसी तरह विपक्षी बीजेपी की ताकत भी घटकर 24 रह गई है। बीजेपी के 2 विधायक ढूलू मेहता और मनीष जायसवाल अब सांसद हैं। बीजेपी ने मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को निष्कासित कर दिया है। वे चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा अपडेट है कि हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं और चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है, जिसको लेकर आज शाम 5 बजे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।